आपसे अनुरोध है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। नवी मुंबई में दुकानदार अभी भी तालाबंदी के दमनकारी नियमों से पीड़ित है और दुकान को खुला रखने के लिए सीमित समय के कारण वित्तीय नुकसान भी उठा रहे हैं, जबकि कोरोना के प्रकोप के खिलाफ सभी आवश्यक उपाय दुकानों में किए गए हैं, फिर भी नई मुंबई म्यूनिसिपालिटी सीमित दिनों और समय तक के लिए ही दुकानों को खुला रखने की इजाजत दे रही है। परिणाम स्वरूप दुकानदारों और व्यापारियों को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। यहाँ पे जो गरीब परिवार लोग रह रहे हैं काम पे, उनको खाने पीने की समस्या हो रही है, जबकि एक दिन बंद एक दिन चालू है तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है, जबकि हम सब यूज़ कर रहे हैं सैनिटाइज है, मास्क है, सोशल डिस्टेंस है, उसके उपरांत भी म्यूनसिपालिटी की जबरदस्ती तानाशाही उनकी। ये व्यापारी लोग पूरा विरोध करते हैं म्यूनसिपालिटी के, इसका मदद नहीं मिल रहा, जितना रेंट है उतना रेंट पूरा भरना पड़ता है, कुछ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल दुकान खुला रखना चाहिए और जो ये निर्णय लिया बिल्कुल गलत है, इनको म्यूनसिपालिटी के नोटिस वापस लेना चाहिए। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ सुदीप घोलप की रिपोर्ट, पालिका प्रशासन, वाशी, नवी मुंबई।